चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रकाश चंद्र अग्रवाल। आप प्रकाश जी, आप कहाँ जा रहे हैं? बागडोगरा। अच्छा, तो आपको अभी टर्मिनल वन से फ्लाइट थी आपकी जी। तो आप क्या बताएं, यहाँ से सारी फ्लाइट सस्पेंड हो गई? टर्मिनल थ्री से। कौन सी फ्लाइट थी आपकी? स्पाइस जेट। स्पाइस जेट की टाइमिंग क्या थी यहाँ से? यहाँ से 3:10 की बता रहे थे, पहले 2:10 की थी। हाँ, फिर उस खबर आई कि 1 घंटे लेट है, तो वो टर्मिनल वन से थी। अब आपको बताया है टर्मिनल थ्री पे जाना है। आपके पास एयरलाइन से कोई मैसेज आया है? नहीं आया। तो आपको श्योर है कि वहाँ से जाने वाले? मैं जाके वहाँ ट्राई करता हूँ। ओके ओके, तो आपको किस समय पता चला यहाँ पे एक बड़ा इंसिडेंट? अभी यहाँ पहुँचने के बाद अभी बताया गया ना, यहाँ बताया गया कि अब आपको मिले। तो यहाँ से अभी शटल वगैरह चल रही है? बंद कर दी। अब देखता हूँ, शटल के लिए बोलने के आगे से शटल है। उसका क्या नाम है आपका और कहाँ की फ्लाइट है आप क्या बताइए? बताइए ना, कहाँ की फ्लाइट है? जी जी जी, बेंगलोर का है। अच्छा, बेंगलोर की फ्लाइट। टाइमिंग क्या थी आपकी? टाइमिंग 3:30। अच्छा, तो अभी आपके पास क्या मैसेज आया, कुछ पता चला आपको? यहाँ से सारे ऑपरेशन बंद कर दिए गए, सब कोई फ्लाइट नहीं? वन से सब बंद कर दिया। हाँ आपसे ना। हाँ जी जी, अभी बोला टर्मिनल थ्री से जाकर बात कर लो। तो टर्मिनल थ्री से जाके क्या बात करनी, कुछ बताया आपको? वो कुछ नहीं बताया, वो इंडिगो का उधर कस्टमर है। हाँ, हमारा इंडिगो का फ्लाइट है। हाँ, जाके बात कर लो। उन्होंने बोला कि आप जाके वहाँ पे बात करो? पुलिस वाला बोला इधर। अच्छा, बाकी यहाँ पे जो आपके इंडिगो के स्टाफ है, वो लोग कोई मिले आपको या नहीं मिले अभी तक? यहाँ पर कोई नहीं मिला। यहाँ पे कोई नहीं मिला? तो अब आगे की फ्लाइट आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी? टर्मिनल थ्री में पता करेंगे। ओके, यहाँ से 3:30 की फ्लाइट थी आपकी? यहाँ से 3:30। तो अब आगे आप टर्मिनल थ्री पे जाएंगे, वहाँ पता करेंगे आपको फ्लाइट मिल रही है या नहीं मिल रही है। ओके, तो आपको जब ये घटना हुई उसके बाद कोई मैसेज आया नहीं आया था? कोई मैसेज नहीं आया, मतलब ये आपको नहीं पता? कल की मैसेज आया था 10 मिनट एडवांस करके। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन घटना तो सुबह हुई, तो सुबह, लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद यहाँ से आपके पास कोई मैसेज नहीं पहुँचा? कितने लोग हैं आप लोग जा रहे हैं बैंगलोर? 3। हाय, आई एम कमिंग फ्रॉम बैंगलोर। So we had some work here. Okay. Now we are going to Bangalore. Flight will be cancelled. Flight has been cancelled. हमें सब और नहीं पता सर, हमने कुछ देखा ही नहीं, न्यूज़ का कुछ नहीं देखा। नहीं, तो यहाँ से जो ऑपरेशन है सारे फ्लाइट्स के, वो सब बंद कर दिए गए। अभी देखते हैं सर क्या होता है। कहाँ की फ्लाइट है आपकी? हमारी कोलकाता। कोलकाता की? लेकिन यहाँ से टर्मिनल वन से जितनी फ्लाइट्स हैं वो सारी बंद कर दी गई हैं। कौन सी फ्लाइट थी आपकी? इंडिगो की। तो आप सारे लोग, दोनों लोग कोलकाता जा रहे हो? हाँ। कहाँ? कोलकाता। टाइमिंग क्या थी फ्लाइट की आपकी? 4:30। 4:30 हमारा तीन टाइम था, 10 बजे था, 2 बजे था, 4 बजे, अब पता नहीं क्या बोलते हैं। अच्छा, एयरलाइन से आपको इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। ये टर्मिनल वन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आज सारे ऑपरेशन बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पर जितनी भी फ्लाइट्स थी जाने वाली, वो सारी कैंसिल कर दी गई हैं। आप देख सकते हैं ये पूरे सड़क पर, जहाँ पर कभी आने जाने वाले लोगों की भीड़ होती थी, वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। और आप देखिए, ये जो ऊपर का हिस्सा थोड़ा दिख रहा है, यही वो हिस्सा है जो गिरा है। फिलहाल इसको बंद कर दिया गया है, और यहाँ से जो शटल सर्विस है उसको भी फिलहाल बंद कर दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया है। वो शटल सर्विस कब शुरू होगी, अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से इसके बारे में कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए हैं। लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और वो परेशान है, क्योंकि उनको यहाँ पर ना एयरपोर्ट अथॉरिटी और ना ही एयरलाइंस की ओर से कोई जानकारी दी जा रही है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ व्हीकल हैं, और बाकी जो मीडिया पर्सनल्स हैं वो लोग यहाँ पे हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, और जो एयरपोर्ट के स्टाफ हैं वो लोग यहाँ पर हैं। आप देखिए, पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।